राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जो है हम लोग आए हैं लंच पे, तो वो उधर से वो दोनों भी हैं, तो वो उन दोनों का बेबी जो घर पे है, क्योंकि ठंडी थोड़ा ज़्यादा है इसलिए दोनों की नानी संभाल रहे। बट बेबी को मुझे लेके आना पड़ा क्योंकि बेबू के लिए कोई है नहीं, इसलिए साथ में लेके आए। तो चलिए क्या क्या खाते हैं वो देखिए। हाय गाइस, तो आज आए हैं हम रेलवे कोच रेस्टोरेंट, और ये देखिए इसका फ्रंट ओपनिंग है। एंड ये है इसका एंट्रेंस, एंड बिल्कुल यहाँ पे आपको रेलवे वाली फीलिंग आ रही है। एंड द फूड इज ऑसम, सुपर हक्का नूडल्स बेस्ट है। सो दिस इज द इंटीरियर, और यहाँ पे आप चैन से बैठ के अपनी कॉफी, अपनी ड्रिंक एंजॉय कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो। थैंक यू। किसका नूडल्स फेवरेट है बेबू? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए या फिर क्या खाना है? खाने में खाना है, मतलब बताइए भैया। आप स्टार्टर भी कर लो पहले, थोड़ा थोड़ा, उसके बाद मेन कोर्स खाते हैं, ठीक है? ओके, इतनी जगह नहीं बचेगी, थोड़ा थोड़ा खाते हैं स्टार्टर। आप बताओ, मेरे को तो ये लग रहा है हक्का नूडल्स और चिली पनीर। गाइज, तो अगर आप सोच रहे हो कि आज हम लंच पे क्यों आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लंच पे आने का हमारा रीज़न ये है कि गांव जाने से जस्ट पहले एक ब्लॉग आया था जिसमें हमने अद्विका का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, वो प्यारी सी बेबी। आपको अगर याद है, अगर आपने ब्लॉग देखा है तब आप पहचान जाओगे। तो बस उसी के बर्थडे का जो पार्टी था वो रह गया था, जो अद्विका की मम्मा ने हम लोगों को दिया, क्योंकि मैं चली गई थी। तो उन्होंने प्लान किया था कि जब आप आओगे तो हम चलेंगे कहीं बाहर लंच पे, जब भी जो भी टाइम मिले तभी हम चलेंगे। तो आज हमारा वो टाइम हमें मिल गया था, तो हम लोग चले आए थे। बट आज बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो ठंडी होने की वजह से जो अंबिका को साथ में नहीं लेके आए, और ऐसे भी नहीं लेके जाते शायद, क्योंकि वो लोग इतने छोटे हैं कि अगर लेके जाए तो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बट बेबू को लेके आ गए, क्योंकि बेबू इतनी बड़ी हो गई है कि तीन मिलकर तो संभाल नहीं सकते। तो अच्छा था, ये बहुत मज़ेदार था जो हमने साथ में टाइम बिताया तीनों ने, तीनों के चारों ने, बहुत अच्छा था, मतलब मज़ेदार लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। शिमला कौन खाएगा खुशी? वही तो, खुशी को नहीं देना। बच्चों को बोलती हूँ वेजेस खाओ, देख लो बेबू पनीर मत दीजिए। आपको क्या चाहिए खुशी? मुझे कुछ भी दे दो, शिमला भी खाती हूँ, खाने का कोशिश करती हूँ। नहीं, मुझे इसका कच्चा वाला जो पन है ना वो पसंद नहीं है। आप लो ना, मुझे क्यों दे रहे हो? आपको प्लेस विजिट करनी चाहिए, इट्स नियर बाय मड़वाली स्टेशन। बहुत, और ये इनका पनीर 65 कुछ स्पेशल है, आई डोंट नो क्या है, हमने टेस्ट किया के तो देखा ना, बट हक्का नूडल्स बेस्ट है। बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा टेस्ट इसका। मड़वाड़ी रेलवे स्टेशन के सामने वही ने।
आफ्टर ऑल दी डायग्नोस्टिक। बोलो जय श्री राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। गाइस तो बच्चे के साथ बाहर जाओ और कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता जो हुआ अभी इस टाइम। मैं और अनु कुछ वीडियो क्लिक कर रहे थे और बेबू का हाथ प्रियंका ने पकड़ रखा था, बट प्रियंका का हाथ छुड़ा के बेबू भाग गई थी इस एस्केलेटर पर, बट प्रियंका ने एक सेकेंड भी नहीं ये किया, वो दौड़ी बहुत तेज और उस बेबू को का हाथ पकड़ लिया और फिर भी उसके बाद भी बार बार बेबू प्रियंका का हाथ छुड़ा के भाग रही थी, बट प्रियंका ने भी ठान लिया था मुझे हार नहीं मानना बिल्कुल भी नहीं। वो बेबू को अपने बाहर में पूरा कस के पकड़ के भर लिया, उसके बाद वो नीचे लेके आई और ये देखो मैं छूट गई थी क्योंकि मैं तो वीडियो लेने के लिए आ गई थी और वो आ गई और आते ही उसे डॉगी दिख गया तो कहती है ले लो, पता नहीं कौन सा इंटरेस्ट जान गया था तो शायद उनको डॉगी बहुत पसंद है तो उन्होंने कहा वीडियो लो इसकी। और फिर अपने अंदर बेबू को तब तक नीचे लेके जा रही थी, उसके बाद फिर हम लोग आए और ये जो चीजें हैं बेबू ने दो बार लगातार किया और दोनों बार प्रियंका को बहुत थकाई है और मैं और अभी पीछे रह जा रहे थे बार बार। हाँ तो और हम दोनों जब सब कुछ सही हो गया तो हम दोनों नीचे आ गए खुशी खुशी कि चलो सब कुछ सही निकल गया, हो गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। उसके बाद हम लोगों ने सोचा हम दो मिलकर के इसके हाथ पकड़ रखेंगे, तो अनु और प्रियंका ने दोनों ने बेबू का हाथ पकड़ रखा और हम दोनों फिर ऑटो से आगे और इसको बीच में बिठा के रखा, कोई भी गड़बड़ अब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ इस जगह पे पिज्जा खाने के लिए क्योंकि हम तीनों ने प्लान किया कि अब यहाँ से उस जगह से आकर के फिर पिज्जा विज्जा खाते हैं, तो हम यहाँ आ गए थे। क्या क्या चाहिए? मम्मी बोल रही यही करो। कॉर्न वगैरह की स्टफिंग नहीं होगी, इसका होगी मैम, उसमें आपको ऑनियन कैप्सिकम, कॉर्न्स नहीं है, कॉर्न है, ठीक है, एक चीज़ गार्लिक फ्लेक्स, जो है स्टफ, और एक वेज, ये आपका बेस्ट सेलर कौन सा पिज़्ज़ा है? स्टफ़ में गार्लिक ब्रेड के ऊपर साइड ऑफ़ इट्स है, अच्छा गार्लिक ब्रेड के ऊपर,
और पिज्जा कौन सा आपका बेस्ट सेलर है? वेज वाला, वेज वाला ठीक है। 87 ठीक है, 7914 साइज है, स्मॉल मीडियम लार्ज। ये 1% के लिए मीडियम वाला कर दीजिए। अच्छा होगा ना, इटालियन पिज्जा और वेज वालों में डिफरेंस क्या है? ये आपको इसमें आपको 6 to 7 thousand रहेंगे और इटालियन में आपको 3 thousand मिलेगा। और ये कैप्सिकम स्वीट कॉर्न, नहीं तो इटालियन ही कर, इटालियन कर ये वेज वालों नहीं कुछ भी कर लो, जो भी करना तुम बनाओ। तुम कौन सा खाओगे खुशी? जो आपको ना खाओ 7 इटालियन कर लीजिए, उसका प्राइस भी कम है 3110। मुझे यहाँ पिकाओ, मुझे यहाँ पिकाओ। हॉट है वो, हॉट यहाँ बिस्सा हॉट है ना, ये हमारा उधर गज चलता है, यहाँ एक बूमरैंग बना दिया। रुको डाए हैं साथ में, क्योंकि तो नहीं आया ना क्या बोल रहे हो? डाटा के बिना नहीं खा सकते हो? फिर खाना चाहता हूँ। डाटा के साथ खाना चाहते हो? दो ना ठीक है, लोग वो नहीं खाएगी वो पिज्जा वगैरह तो कुछ नहीं खाते हो? नहीं नहीं की है क्या? अच्छा आपको जैसे खाना है आप खाओ। आपको कैसे लगा? मुझे ठीक ही लगा, मेरा ऐसा नहीं है कि क्या होता है ना कोई चीज फेवरेट होती है ना वैसे भी लगता है कि ये अच्छा है वो अच्छा है ऐसा, बट अरे ये देखो चिली प्लेट खाना कर लो ना, तो टॉपिंग खाना है क्या साला पिज्जा लीजिए। नहीं आपका भी है बेबू, बेबू ठीक से बेटा खाओ यार, और ना टॉपिंग साला चाहिए मुझे, मुझे ये दी दो अरे नहीं अब नहीं आप खाने नहीं आप लो ना प्लीज मैं बाहर ये ले लो सबसे समय अगर टैलेंटेड हो तो थोड़ा कम है यहाँ। अच्छा वहाँ तो हायर स्टडीज के लिए ना 12th तो कराना ही पड़ेगा, वहाँ लोअर स्टडी के लिए जैसे वहाँ तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। तो इस बार गड़बड़ मुझसे हुआ हुआ ये कि मैंने अपना ट्राइपॉड जो था जिससे वीडियो शूट करते हैं वहीं पे छोड़ दी थी और हम घर आ गए। जब हम सीढ़ियों पे चढ़े तब हमें याद आया कि अरे मेरा तो ट्राइपॉड वहीं रह गया, फिर जाकर के हम लाए वहाँ से, बट इन्होंने संभाल कर रखा था तो उन्होंने मुझे दिया, उनको बहुत बहुत थैंक यू। तो गाइस मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।